dear kids, welcome to grammar class. So children, in the previous class you have listened to the concept of nouns. What are nouns? So nouns are the naming words. मतलब नाम, हर चीज के नाम होते हैं. हमारे यहाँ आसपास कई सारे लोग होते हैं, चीजें होती हैं, एनिमल्स होते हैं. सो एवरीथिंग हैज देयर ओन नेम. हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है. एंड नामों को हम नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं या नाउंस भी कह सकते हैं. ओके, ये तो हमने लास्ट वीडियो में जान लिया था. नाउ इन द टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ मोर नाउंस. हम नाउंस के दो प्रकार सीखने वाले हैं. ओके, नाउंस के भी कई सारे टाइप्स हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टू टाइप्स ऑफ नाउंस. सो नंबर वन इज कॉमन नाउन. सबसे पहला कौन सा है? जैसे कि हमने हेडिंग में नहीं देखा, नाउंस और नाउंस के दो प्रकार है, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉमन नाउंस. कॉमन नाउंस आर जनरल नेम्स. दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे बिगिन अ सेंटेंस. तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, कॉमन नाउंस आर जनरल नेम्स. जनरल नेम मतलब कॉमन नाउंस वह नाम है जिनको हम एक साथ समूह में उसको नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, टीचर, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स. अब देखिए, डॉक्टर मैंने कहा, डॉक्टर वह इंसान है जो बीमार का इलाज करते हैं. मगर मैंने वहां पे उन सारे लोगों को जो बीमार का इलाज करें उन सारे लोगों को क्या कहा जाता है? डॉक्टर. सो डॉक्टर इज अ कॉमन नेम. अगर हम स्पेशली किसी एक डॉक्टर का नाम लेंगे, ओके, जब हम नाम लेके बात करेंगे वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा. ओके, सो डॉक्टर क्या है? कॉमन नाउन. टीचर, टीचर वह व्यक्ति है जो बच्चों को पढ़ाते हैं. सो ऑल द टीचर्स, दुनिया के किसी भी भाग में जो पढ़ाने का काम करे, दे आर कॉल्ड एज टीचर्स. सो टीचर इज ए कॉमन नेम. पेरेंट, पेरेंट मतलब मम्मा पापा, दोनों को साथ में मिला के कॉमन नाम क्या दिया गया है? पेरेंट. सो हम एक साथ जब पूरे लोगों को मिला के एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन नाउन, जनरल नेम. ओके, कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स. दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे बिगिन अ सेंटेंस. जब हम किसी भी कॉमन नाउन को जब लिखते हैं, वह कैपिटल में नहीं लिखा जाता है. जब वो सेंटेंस स्टार्टिंग में आता है, जब वो वर्ड हम उससे शुरू करते हैं, तभी उसका हम प्रयोग कैपिटल में करते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए कुछ दिए गए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. एग्जाम्पल नंबर वन, आई एम अ टीचर. जैसा कि मैंने बताया, टीचर वो होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं. अब अपने बारे में कुछ बोल रही हूँ मैं, जिसमें कहा है आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ. ओके, अब टीचर क्या है? कॉमन नाउन. यहाँ पे कॉमन नाउन है और यह सेंटेंस के बीच में है, इसलिए हमने इसको स्मॉल लेटर से ही लिखा है. जब तक कोई भी कॉमन नाउन बिगिनिंग में नहीं आता है, तब तक उसको हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते. ओके, अगला एग्जाम्पल, डॉक्टर्स ट्रीट द सिक. डॉक्टर्स बीमार का इलाज करते हैं. सो अब देखिए, डॉक्टर एक कॉमन नेम है. अब क्योंकि कॉमन नेम से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसलिए हमने इसका पहला लेटर कैपिटल में लिखा है. अगर यही वर्ड सेंटेंस के बीच में होता, तब हम डॉक्टर डी कैपिटल नहीं लिखते. जब तक उस वर्ड से शुरू होगा सेंटेंस, तब तक हम कैपिटल में उसको नहीं लिखते हैं. अगला वाला एग्जाम्पल नंबर थ्री, आई लाइक टू टॉक विथ माई फ्रेंड्स. मुझे अपने फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है. सो फ्रेंड्स, दोस्त, सारे दोस्त, मैंने वहां स्पेशली किसी एक फ्रेंड का नाम नहीं लिया है. सो फ्रेंड इज अ कॉमन नेम. और क्योंकि फ्रेंड सेंटेंस के अंत में या बीच में है, इसलिए हमने यहाँ पे बेबी लेटर ही यूज किया है. नंबर फोर, चिल्ड्रन लव देयर ग्रैंड पेरेंट्स. बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा सेंटेंस में बोला जा रहा है. चिल्ड्रन मतलब बच्चे, दुनिया के सारे ही बच्चे, ऑल द चिल्ड्रन. सो कॉमन नाउन, क्योंकि वाक्य ये सेंटेंस कॉमन नाउन से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने चिल्ड्रन का सी कैपिटल में लिखा है. ओके, एंड ग्रैंड पेरेंट्स ये भी कॉमन नाउन है, मगर सेंटेंस के अंत में है. सो हियर वी आर यूजिंग स्मॉल लेटर फॉर देम. सो दिस इज कॉमन नाउन. नाउ प्रॉपर नाउन्स. सो प्रॉपर नाउन आर नेम्स ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स. अब प्रॉपर नाउन क्या है? स्पेसिफिक, स्पेशली हम किसी एक का नाम लेके जब उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स. दे डू रिक्वायर कैपिटलाइजेशन. और स्पेशल प्रॉपर नाउन्स के लिए स्पेशली हम कैपिटल
कैपिटल लेटर्स का ही प्रयोग करते हैं ऐसा यहाँ बोल रहे हैं. ओके एग्जाम्पल, आई लिव इन अहमदाबाद, मैंने वहां पे अपने सिटी का नाम मेंशन किया है. मैं कहाँ रहती हूँ? अहमदाबाद. सो अहमदाबाद का ए इज कैपिटल. सो चिल्ड्रन इन द सेकेंड एग्जाम्पल, राजू इज अ गुड बॉय. सो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या कहा गया है? राजू इज अ गुड बॉय, राजू एक अच्छा लड़का है. सो यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? राजू. यहाँ पे स्पेशली नाम लेकर बताया गया है राजू. सो राजू इज अ प्रॉपर नाउन. हमने स्पेशली लड़के का नाम लेकर उसके बारे में कुछ बोला है कि वह अच्छा लड़का है. नाउ इन द थर्ड सेंटेंस, मिस्टर खन्ना इज अ डॉक्टर. मिस्टर खन्ना इज अ डॉक्टर, मिस्टर खन्ना एक डॉक्टर है. सो स्पेशली हमने यहाँ पे डॉक्टर का नाम मेंशन किया है. सो नेम इज ऑलवेज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. मिस्टर खन्ना यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन. एंड डॉक्टर क्या है? कॉमन नाउन. सो सी कॉमन नाउन बीच में आया इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज नहीं किया है. एंड मिस्टर खन्ना इज अ प्रॉपर नाउन सो वी हैव यूज द मदर लेटर. मिस्टर का एम मदर लेटर एंड खन्ना का के इज ऑल्सो इन मदर लेटर. सो प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन अ कैपिटल लेटर. सो अहमदाबाद का ए, राजू का आर एंड मिस्टर खन्ना का एम एंड के इज ऑल्सो इन कैपिटल लेटर. सो चिल्ड्रन प्लीज लिसन टू द वीडियो वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए और सुनिए और अपने बुक में भी रिफर करिए द सेम पेज. ओके सो प्लीज गो थ्रू द वीडियो वेरी केयरफुली. टेक केयर, बाय बाय.